तो हेलो दोस्तों, आज मैं एक नया ऑर्डर लगाने जा रहा हूँ और ये मैंने पहले से एड टू कार्ट कर रखा है पोको एक्स थ्री, जो कि ये गेमिंग फ़ोन है, बहुत ही अच्छे रेट में मिल रहा है। 6 GB 128 GB में है और इसमें 6000 mAh की बैटरी होती है। देखिए 3672 रुपये का है। इसमें 3 स्पॉट दिखा रखे हैं, मेजर डिस्कलरेशन है, स्क्रीन कॉपी है, बैक कैमरा ब्लर है और मेजर पेंट पील है, लूज पैनल है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ रहता है दोस्तों। तो ये देखते हुए मंगा रहा हूँ मैं, रेट क्योंकि सही है और इसमें देखेंगे कोई कूपन लग रहा है कि नहीं। तो QC रिपोर्ट मैंने आपको दिखा दी है, बाकी इसमें इस रेट में बहुत अच्छे रेटों में आ रहा है ये। तो इसमें मुझे कुछ कॉइन्स मिले हुए थे वो मैंने लगा दिए, तो ये 3434 रुपये का पड़ रहा है और कोई कूपन तो दोस्तों लग नहीं रहा। तो चलिए ऑर्डर लगा लेते हैं, ये COD में ऑर्डर लगाएंगे तो 1.2% COD चार्ज भी लग जाता है। तो ये हमें 3526 रुपये का पड़ा, जो कि बहुत ही अच्छे रेटों में है। और देखेंगे जब ये फ़ोन आएगा, इसकी वीडियो भी बनाऊंगा मैं, तो उसे वीडियो डालूंगा, वीडियो देख के पता लगेगा दोस्तों कैसा फ़ोन आया। तो हेलो दोस्तों, रॉयल अनबॉक्सिंग चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे पास एक नया पैकेट डिलीवर हुआ है, जिसका प्राइस देखिए आप, 3525 रुपये का इसका प्राइस है और मैंने C- ग्रेड में मंगाया है ये। और देखिए ब्लू डार्ट से डिलीवर हुआ है, डिलीवरी एक्सप्रेस से डिलीवर हुआ है। तो दोस्तों मैंने डिलीवरी का भी दिखा दिया आपको, ब्लू डार्ट से भी डिलीवर होता है, ब्लू डार्ट का भी दिखा दिया और DTDC से डिलीवर होता है तो वो भी दिखा दिया। किसी भी कुरियर सर्विस से आ सकता है आपके पास अगर आपको भी ऑर्डर लगवाना हो तो। और ये हमारा जो हमारी ID बनी हुई है कैशिफाई पे, उसका वो है वेंडर कोड है और ये हमारा मोबाइल नंबर है जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एड्रेस वगैरह सब कुछ होता है इसमें दोस्तों। ऑर्डर ID देखिए, ट्रैकिंग ID, कब ऑर्डर करा था, डेट वगैरह सब लिखा होता है। और इसमें देखिए इसका इसमें लिखा है रिटर्न पॉलिसी नोएडा, तो नोएडा से ही ऑर्डर डिलीवर भी होता है दोस्तों, नोएडा में वेयर हाउस है और रिटर्न जाता है वो भी नोएडा में जाता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए पैकेट ओपन कर लेता हूँ मैं। और जो भाई पहली बार चैनल पर आए हो वो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी वीडियो दोस्तों आप वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। और अपने यार दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी सब्सक्राइब करवाए ज़रूर और उन्हें भी बताया हमारे चैनल के बारे में और उन्हें बताया कि सस्ते सस्ते फ़ोन ऑर्डर लगाते हैं हम। तो देखिए बिल आ चुका है सबसे ऊपर ही। तो देखिए दोस्तों सबसे ऊपर बिल है इसका, जो कि 3525 रुपये का है। ये पोको X3 मंगाया है मैंने 6 GB 128 GB में और ये C- ग्रेड में है, ब्लू कलर में है। और मैंने दोस्तों कॉपी डिस्प्ले में मंगाया है ये, क्योंकि रेट बहुत अच्छे मिल रहे थे तो इसलिए मैंने मंगा लिया है। और ये इसका EMI नंबर है और ये देखिए शॉप का एड्रेस और मोबाइल नंबर हमारा सब कुछ है, जो मोबाइल नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको। और ये इनवॉइस होता है, GST बिल होता है और कैशिफाई का देखिए लोगो इसमें अलग ही दिख रहा है, कैशिफाई सुपर सेल का। और दोस्तों ये B2B ऐप होता है, ये ऐप जो है सिर्फ जो होलसेलर होते हैं शॉपकीपर उन्हें दिया हुआ होता है और हमारे महीने में कम से कम 50-60 ऑर्डर तो आराम से लग ही जाते हैं। और जो हमारे पर्सनल है दोस्तों और जो कस्टमर लगवाते हैं वो अलग है, तो आप भी ऑर्डर चाहो तो हमसे लगवा सकते हो। ऑर्डर चार्ज हमारे 250 रुपये है और जो ऑर्डर आप लगवाते हो पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिलीवर हो जाता है, कहीं भी आप डिलीवरी करवा सकते हो। और 3 से 4 दिन लगते हैं दोस्तों डिलीवरी होने में, तो आप पेशेंस बनाए रखें, जो भी ऑर्डर लगवाए 3 से 4 दिन लगते हैं, कभी कभी 5 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन ऑर्डर सक्सेसफुली डिलीवर करवा देते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो चलिए सीधा फ़ोन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 3500 रुपये में बताइए 6 GB 128 GB में शायद ही कहीं फ़ोन मिल पाएगा, वो भी पोको X3 जो कि गेमिंग फ़ोन है। और बस इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है दोस्तों, मैं हर चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। ये फ़ोन दोस्तों डेड भी हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन सारे डिवाइस नहीं होते, कोई कोई पर्टिकुलर ऐसा डिवाइस होता है पोको X3 में, पोको X3 और X3 Pro जो कि डेड भी हो सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों फ़ोन निकल के आ चुका है और देखिए कंडीशन थोड़ी रफ है, थोड़ी आउट कंडीशन है, देखिए कलर वगैरह भी छूटे पड़े हैं और ऐसा लग रहा है किसी ने बहुत ही बेरहमी बेदर्दी से चलाया है। और देखिए सारे निशान वगैरह लगे हुए हैं। और चलिए ये तो फ़ोन की बात हो गई, कैमरा कटआउट क्लीन है लेकिन इसका देखिए, और कैमरा भी कोई सा भी मुझे ब्लर नहीं दिखाई दे रहा, कैमरा देखिए बिल्कुल क्लीन है। और इसका बहुत ही अच्छा लगता है, राउंड गोल शेप में आता है इसके कैमरे का सेटअप। और ये देखिए यहाँ से डेंट लगा हुआ है, जो कि कलर भी इसका छूटा हुआ है और पोको की ब्रांडिंग आ जाती है देखिए। और दोस्तों हर वीडियो में बताता हूँ मैं, स्टिकर रिमूव ना करें, ना ही ये बारकोड, इससे 48 घंटे की वारंटी होती है, ना ही इसमें टेम्परिंग करें, पहले फ़ोन को अच्छी तरीके से चेक कर लें उसके बाद ही इसे रिमूव करें।
48 घंटे तक दोस्तों अच्छी तरीके से चेक कर ले, ताकि आपको भी पता लग पाए फ़ोन में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे रिमूव इजीली कर सकते हैं। और अगर कोई फ़ोन में प्रॉब्लम हो तो अगर आप हमसे ऑर्डर लगवाते हैं तो आप हमसे कह सकते हैं, हम आपका रिटर्न डलवा देंगे। और दोस्तों रिटर्न जो है वैलिड होना चाहिए, क्योंकि बहुत से भाई रिटर्न डलवा देते हैं, फ़ोन में प्रॉब्लम होती नहीं है और वहाँ पे वेयर हाउस जाते हैं तो वो चेक करते हैं दोस्तों अच्छी तरीके से, जो क्यूसी टीम होती है वो चेक करती है। तो जो आपने प्रॉब्लम मेंशन अगर करी है वो प्रॉब्लम वहाँ डिटेक्ट हो गई तो फ़ोन रिटर्न हो जाएगा, और नहीं अगर डिटेक्ट हुई तो फ़ोन आपके एड्रेस पे आपको वापस भेज दिया जाएगा। तो ये चीज़ भी मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो कि हर कोई नहीं बताता, मैं कोशिश करता हूँ आपको हर चीज़ जो है आपको खुल के बताने की। और ये देखिए दोस्तों थोड़ा पास से दिखाता हूँ, ये देखिए इसका 64 मेगापिक्सल का कैमरा जो कि लिखा हुआ है और AI सुपर कैमरा लिखा हुआ है, डिज़ाइन बाय पोको। और साइड से दोस्तों कंडीशन देख पा रहे हैं आप, ये देखिए साइड से भी आपको दिखाता हूँ कंडीशन में, तो ये देखिए कंडीशन साइड से भी तो ठीक है दोस्तों, देखिए ऊपर से भी कंडीशन ठीक है और इधर से भी ठीक है, बस थोड़ा सा इसका बैक गिलास जो होता है ये थोड़ा सा बहुत ही बेकार कंडीशन में है, तो ये चेंज हो जाता है दोस्तों। 100-150 रुपये का आता है हमारे दिल्ली में, तो 100-150 रुपये का आता है, बाकी आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं वो आपके एरिया के हिसाब से कितने का आता है, वो रेट बढ़ भी सकते हैं कम भी हो सकते हैं, तो उसका मैं कह नहीं सकता। और बाकी देखिए इसमें टाइप सी का चार्जिंग जैक दे रखा है जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, ऑडियो जैक भी दे रखा है, स्पीकर सिंगल है इसमें नीचे, और ये देखिए एक माइक ईयर और एक माइक ऊपर होगा इसका, ये देखिए। और दोस्तों वैसे रेडमी के सेटों में मैंने ज़्यादा देखा है, लेकिन इसमें भी देखिए रिमोट का सिस्टम दे रखा है, ये देखिए ये जो इसमें दे रखा है, देखिए ये सेंसर ही है, रिमोट का काम करता है, जैसा आप टीवी वगैरह में आप यूज़ कर पाएंगे। और आगे देखिए दोस्तों डिस्प्ले में कोई मुझे वैसे निशान वगैरह तो दिखाई देने लगा, देखिए दोस्तों बिल्कुल भी स्क्रैच वगैरह नहीं है डिस्प्ले में, तो डिस्प्ले की कंडीशन तो ठीक है। तो चलिए फ़ोन ऑन करके देख लेते हैं, तो देखिए दोस्तों फ़ोन ऑन हो चुका है, और ऑन होते ही पोको की ब्रांडिंग आ चुकी है, और इसमें दोस्तों फिंगरप्रिंट जो सेंसर है वो साइड में है, बटन भी यही है और ये फिंगरप्रिंट सेंसर है। और इस साइड देखिए वॉल्यूम का भी दे रखा है, और दूसरी साइड इसका जो है सिम डालने का दे रखा है, सिम इजेक्टर, सिम निकाल के भी दिखाएंगे इसमें आपको कि दो सिम में और एक मेमोरी चल जाती है या एक मेमोरी और एक सिम चलेगी, वो भी दिखाएंगे आपको। बाकी इसमें डिस्प्ले कॉपी डली हुई है, तो दोस्तों देखिए कॉपी डिस्प्ले डली हुई है इसके अंदर, लेकिन डिस्प्ले सही क्वालिटी की लग रही है मुझे, तो आप भी देखिए दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि वीडियो हमारी कैसी लगती है आपको। बाकी देखिए एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ कि जो ओरिजिनल इसकी डिस्प्ले होती है, तो दोस्तों इसमें देखिए थोड़ी सी नीचे से जो बेजल्स है वो बहुत बड़े हैं, जो इसकी डिस्प्ले ओरिजिनल होती है उसमें दोस्तों डिस्प्ले जो होती है वो इतनी बड़ी नहीं होती, यहाँ तक की होती है, ये देखिए मैं नाखून से दिखाता हूँ, यहाँ तक की डिस्प्ले होती है और इसमें इतनी दे रखी है, तो ये तो कॉपी डिस्प्ले डली हुई अलग ही दिखाई दे रही है, और इसलिए दोस्तों इतने कम रेट में है 3500 रुपये में। बाकी रिस्पॉन्स देखेंगे टच का कैसा आ रहा है, तो देखिए टच का रिस्पॉन्स देखते हैं कैसा आ रहा है। तो दोस्तों टच चल तो बड़ा स्मूथ रहा है, स्मूथ टच चल रही है काफ़ी, और कहीं से टच में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया चल रही है देखिए। और मैं आपको एक तरीके से और दिखा देता हूँ टच चेक करके, तो टच प्रॉपर चेक कर लिया अगर आप भी कोई फ़ोन मंगाया करें दोस्तों, तो देखिए टच इसकी सही चल रही है और बहुत ही स्मूथ है, भले ही डिस्प्ले इसकी कॉपी डली हुई है लेकिन कलर वगैरह ठीक आ रहे हैं और वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए दोस्तों एक चीज़ और दिखा दूँ, देखिए ये वाइट डॉट यहाँ पर आ रहा है, एक वाइट डॉट यहाँ पर आ रहा है, तो दो वाइट डॉट है इसके अंदर, और एक शायद ये नीचे भी है देखिए दोस्तों ज़रा, तो इसके अंदर तीन वाइट डॉट आ रहे हैं जो कि सी माइनस ग्रेड में है, तो ये तो आना बनता ही है, बहुत से ऐसा भी होता है दोस्तों ये आ जाते हैं, बहुत से में नहीं भी आते हैं। तो फ़ोन मैंने आपको दिखा दिया है और ये कॉपी डिस्प्ले है। चलिए अब इसमें आपको एक बार कैमरा भी दिखा देते हैं, इसका कैमरा कैसे वर्क कर रहा है दोस्तों, तो चलिए कैमरा खोल के देख लेते हैं। तो देखिए बैक कैमरा इसका दोस्तों बिल्कुल ठीक आ रहा है, और मैं आपको बिल पे फोकस करके दिखाता हूँ इसका कैमरा कैसे चल रहा है, तो आपको पता लग पाएगा, ये देखिए। तो देखिए दोस्तों कैमरा बिल्कुल क्लीन है, देखिए बिल्कुल क्लीन, कोई दिक्कत नहीं है कैमरे में, और आप समझ सकते हैं जब इतने छोटे छोटे लिखे हुए इतना क्लीन आ रहा है तो वैसे किसी बड़े ऑब्जेक्ट पर कैसा आएगा। तो ये तो इसका कैमरा हो गया मेन, और हम इसका जो है जूम वाला जूमिंग वाला कैमरा भी देख लेते हैं, 1x वाला, सॉरी 2x वाला कैमरा है ये, तो 2x वाला कैमरा भी ठीक है दोस्तों, और एक वाइड एंगल वाला भी देख लेते हैं, तो ये भी दोस्तों ठीक आ रहा है वैसे कैमरा,
हल्का सा मुझे थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो चलिए कोई नहीं, मेन कैमरा तो इसका बीच 1x वाला ही है, तो ये वाला कैमरा ठीक है, और बाकी फ्रंट कैमरा भी एक बार देखेंगे, लेकिन इसमें वीडियो देखते हैं। तो देखिए 4K तक की रिकॉर्डिंग है दोस्तों इसमें, देखिए 4K की भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आप फ़ोन के अंदर, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और चलिए फ्रंट कैमरा भी एक बार देखते हैं चला के। तो देखिए दोस्तों फ्रंट कैमरा भी ठीक है इसका, फ्रंट कैमरा में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल ओके चल रहा है। और देखिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी लाइट पड़ रही है, बाकी कैमरा बिल्कुल क्लीन है। तो फ्रंट कैमरा भी ठीक है इसका, बैक कैमरा भी ठीक है इसका, दोनों कैमरे ठीक है। बस ये C- ग्रेड में दोस्तों इसीलिए आया है क्योंकि इसके अंदर ये जो डिस्प्ले पे स्पोर्ट वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं तीन, तो इस वजह से ये C- ग्रेड में आ गया। बाकी इसमें कोई बैक कैमरा मैंने दिखाया था, जो इसका वाइड एंगल वाला कैमरा है वो ब्लर है, तो बाकी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है दोस्तों। फ़ोन में जो है इसके अंदर, मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, इसमें दोस्तों एक चीज़ बहुत अच्छी दे रखी है फ़ोन के अंदर, इसमें दोस्तों बैटरी 6000 mAh की है, जो कि बहुत ही अच्छी चलती है। और मैं कोशिश करता हूँ बैटरी निकाल के आपको दिखाने की। तो ये रहा बैटरी का ऑप्शन आ रहा है, बैटरी परफॉर्मेंस देखूँगा मैं कहाँ पर दिखाएगा दोस्तों। तो इसमें मुझे अभी फ़िलहाल तो कहीं दिखाई दे नहीं रहा, लेकिन दोस्तों मुझे पता है बैटरी इसमें 6000 mAh है। और देखिए एक चीज़ कितनी अच्छी है दोस्तों, इसके अंदर अपडेट इसके अंदर आया हुआ है, ये देखिए दोस्तों अपडेट आया हुआ है इसके अंदर, तो आप अपडेट भी करके कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं करूँगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अभी मैंने आपको फ़िलहाल तो कैमरा दोस्तों चेक करा दिया है, और फ़ोन के EMI नंबर भी एक बार आपको मैच करा देता हूँ। EMI नंबर दोस्तों चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये देखिए EMI नंबर इसके लास्ट के 3 डिजिट चेक कर लेने चाहिए बस, 569 और 551 है। तो ये देखिए दोस्तों 551569, तो इसमें बिल्कुल ओके है, EMI नंबर चेक करके हमने देख लिया। और अब इसका फिंगरप्रिंट भी लगा के देख लेंगे, फिंगरप्रिंट वर्किंग है या नहीं। तो चलिए दोस्तों फिंगरप्रिंट भी लगा के देख लेते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। सिर्फ दोस्तों 3500 रुपये का आया ये मोबाइल, और मैं इसलिए बोलता हूँ कि थोड़ा देखा करें सारे जो भाई हमारे हमसे ऑर्डर लगवाते हैं, थोड़ा से पहले देख लिया करें, D- और D ग्रेड में लगाने से बढ़िया C- में देख लिया करें, उसमें दोस्तों बहुत ही अच्छे रेटों में फ़ोन मिल जाते हैं। तो चलिए फिंगरप्रिंट आ गया, लगा के देख लेते हैं। जिस भाई को छोटी मोटी कमी चलती है वो C- में ऑर्डर लगा सकता है, हल्की फुल्की जैसे प्रॉक्सिमिटी सेंसर नॉट वर्किंग, फिंगरप्रिंट नॉट वर्किंग, छोटी मोटी जो दिक्कत होती है, बैक कैमरा ब्लर आता है, तो ये छोटी मोटी दिक्कतों में अगर आपको मंगाना था आप मंगा सकते हैं। तो देखिए मैंने फिंगरप्रिंट लगा दिया इसमें, और चलिए ओपन करके देख लेते हैं। देखिए दोस्तों कितना फास्ट है फिंगरप्रिंट, और ये फ़ोन भी अपने आप में बहुत ही फास्ट है, क्योंकि पोको के फ़ोन ज़्यादातर गेमिंग में यूज़ होते हैं, गेम वाले जो होते हैं लड़के। खैर मुझे तो गेम खेलना दोस्तों आता नहीं, ना मैंने आज तक कभी खेला, लेकिन जो हमारे शॉप पर आते हैं गेमिंग वाले जो लड़के होते हैं वो मांगते हैं पोको का फ़ोन, ये बोलते हैं कि प्रोसेसर बहुत अच्छा होता है और बैटरी बैकअप वगैरह भी सही सब कुछ होता है। तो फिंगरप्रिंट मैंने आपको दिखा दिया दोस्तों, देखिए फिंगरप्रिंट अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और थोड़ा सा मुझे ये वॉलपेपर इरिटेट कर रहा है दोस्तों, तो मैं वॉलपेपर चेंज कर लेता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ, पहले वॉलपेपर चेंज कर लेता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये वॉलपेपर। तो वॉलपेपर के मामले में दोस्तों मैं थोड़ा सा टच्ची सा हूँ, मुझे वॉलपेपर अच्छा नहीं लगता, जो मैं तो उसे हटा देता हूँ, उसके बाद ही आगे चलाता हूँ मैं। ये वाला ठीक लग रहा है, और एक ये वाला भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, ये वाला ठीक लग रहा है दोस्तों, ये वाला लगा लेता हूँ। तो देखिए मैंने वॉलपेपर चेंज कर दिया, ये वाला ठीक लग रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो मैंने आपको फिंगरप्रिंट भी चेक करा दिया दोस्तों, अब इसकी एक बार मैं आपको टॉर्च चला के दिखा देता हूँ। देखिए टॉर्च भी देखिए बहुत अच्छी तरीके से टॉर्च जल रही है इसकी, देखिए। तो टॉर्च भी दोस्तों जल देख लेना चाहिए, कभी टॉर्च वगैरह या फ्लैश लाइट ख़राब हो तो कैमरा वगैरह में दिक्कत हो जाती है, या रात में कभी कोई कहीं गांव वाँव में फ़ोन मंगाता है दोस्तों, तो उनके लिए भी लाइट वाइट नहीं होती तो उसके लिए काम आता है, कहीं निकलना हो तो अपना टॉर्च जला के निकल जाओ,
और कैमरे के लिए भी बहुत काम आता है, वीडियो बनाने के लिए। तो टॉर्च इसके ठीक है, वाईफाई कनेक्ट करके देख लेते हैं अपनी शॉप का। तो देखिए दोस्तों, वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं। तो वाईफाई कनेक्ट हो चुका है, जैसे कि आपको दिख रहा है ऊपर, देखिए वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। तो ये बस चेक कराने के लिए था वाईफाई। तो वाईफाई ठीक है दोस्तों, वाईफाई हमने चेक करा दिया आपको। अब एक बार ब्लूटूथ भी चेक कर लेंगे इसका। सब चीज़ चेक कर लेनी चाहिए दोस्तों, शुरू में स्टार्टिंग में ही चेक कर लेनी चाहिए, बाद पे नहीं डालना चाहिए। कभी बाद के चक्कर में जो है फ़ोन में कोई बड़ी कमी रह जाए तो आपको प्रॉब्लम हो जाए। बाकी जो है सिम डाल के भी चेक कराऊंगा, सेंसर वगैरह जो है दोस्तों वो सिम डाल के चेक होता है। तो देखिए कोई डिवाइस अभी आसपास होगा तो कनेक्ट हो जाएगा, नहीं होगा तो दोस्तों फिर, वैसे ब्लूटूथ तो ऑन हो चुका है, अगर ये ख़राब होता है तो ये ऑन ही नहीं होता। तो ब्लूटूथ ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम कुछ और भी, अब ब्लूटूथ से कुछ और चेक कर लेते हैं। तो चलिए इसमें चार्जिंग चेक कर लेते हैं दोस्तों। और इसमें एक चीज़ भी दोस्तों, इसमें रिफ्रेश, फ़ोन में आजकल जो है, पहले तो नहीं आया करते थे, अब फ़ोन में रिफ्रेश रेट आते हैं। तो वो भी देखिए, इसमें 120 का भी दे रखा है। तो 120 बहुत अच्छा माना जाता है रिफ्रेश रेट, और 120 से काफ़ी फ़ोन स्मूथ चलता है। तो मैं 120 पे छोड़ देता हूँ इसे। तो देखिए 120 से ही होता है दोस्तों, जो आप चलाएंगे फ़ोन देखिए कितना स्मूथ चल रहा है। ये देखिए फ़ोन वैसे हैवी मुझे लग भी रहा है, काफ़ी फास्ट है फ़ोन। तो देखिए थोड़े से ऐड वगैरह ज़रूर है इसके अंदर। तो चलिए इसमें चार्जिंग भी दोस्तों चेक कर लेते हैं एक बार, चार्जिंग इसमें कैसे सपोर्ट कर रहा है। तो ये रहा चार्जर, और चार्जिंग लगा के देखेंगे और बैटरी बढ़ा के भी देखेंगे। देखिए 33% है, तो चार्जिंग पे लगा के देखते हैं, चार्जिंग बढ़ा के भी देखेंगे। तो देखिए चार्जिंग पे लग चुका है, ये क्विक चार्ज लिखा आ चुका है और MI टर्बो भी लिखा आ चुका है इसके अंदर। और देखिए 33% चार्जिंग है। तो हम चार्जिंग पे लगे रहेंगे, इसे अभी चेक भी करेंगे चार्जिंग पे लगा के। तो बाकी सिम रह गई है इसमें दोस्तों, तो मैं आपको सिम भी डाल के चेक कराता हूँ। तो सिम का ऑर्डर डाल देते हैं। और ऑडियो जैक दोस्तों इसका वर्किंग है नहीं, वो भी मैं आपको चेक कराऊंगा ऑडियो जैक। तो एक एक चीज़ दोस्तों चेक कर लेनी चाहिए, पहले सिम डाल लेते हैं उसके बाद ऑडियो जैक भी चेक कराएंगे आपको। वैसे दोस्तों कोई इतना नया मॉडल नहीं है, ये थोड़ा पुराना ही मॉडल है। और देखिए इसमें एक टाइम पे आप दोस्तों देखिए दो सिम डाल सकते हैं, या तो आप सिंगल सिम और मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। अगर आप मेमोरी चलाएंगे तो आपको इसमें एक ही सिम चला पाएंगे, दोनों सिम चलानी है तो मेमोरी कार्ड आप नहीं चला पाएंगे। तो देखिए सिम डाल ली है, देखते हैं कितना टाइम लगता है सिम आने में। तो देखिए दोस्तों सिम का नेटवर्क, सिम आ चुकी है इसके अंदर, अभी नेटवर्क नहीं आया। देखिए नेटवर्क भी आ चुका है अब, और डाटा ऑन करके देख लेते हैं मोबाइल का। देखिए 4G लिखा आ चुका है इसके अंदर, तो कॉल वगैरह करके देखेंगे। और चार्जिंग देखिए हमने 33 पे लगाया था, 34 हो चुका है। तो चलिए जैक निकाल लेते हैं इसका, क्योंकि चार्जिंग हमारा चेक हो चुका है सक्सेसफुल, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉल करके देख लेते हैं अब सिंपली इसमें। वैसे दोस्तों ये जो स्पॉट आ रहे हैं, ये वाइट वाले, इसे आप एक तरीके से और हाइड कर सकते हैं, आप इसमें डार्क मोड लगा सकते हैं। देखिए तो डार्क मोड लगाने से ये विजिबल नहीं होगा, देखिए डार्क मोड पे बिल्कुल भी। बाकी चलिए मैं कॉल करके एक बार देख लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों कॉल मिलाई थी मैंने, कॉल आ चुकी है, और कॉल उठा के भी देख लेंगे एक बारी। कॉल कट गई, दोबारा मिला के देखते हैं एक बार। कभी कभी दोस्तों नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है मेरी शॉप के अंदर, क्योंकि बहुत बेसमेंट की तरफ, अंदर की तरफ शॉप है मेरी। तो दोबारा से मिला के देख लेते हैं एक बार।
थोड़ा सा दोस्तों टाइम जरूर लगता है, लेकिन कोशिश करता हूँ पूरी जानकारी देने की आपको, ताकि आपको पता लग पाए कि फ़ोन में क्या दिक्कत है क्या नहीं, सब पता लग पाए आपके लिए। इसीलिए कोशिश करते हैं, पूरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, मालूम है मुझे भी। तो देखिए कॉल मिल नहीं पा रही है अभी। तो दोस्तों सिम की कनेक्टिविटी जो है हर सिटी में प्रॉब्लम है फ़ोन मिलने में, नेटवर्क आने में। तो ये काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, जब से 5G की सिम आई है 4G के नेटवर्क सही आते नहीं है। तो ये देखिए फ़ोन उठा लिया मैंने। हेलो हेलो देखिए दोस्तों कॉल मैंने उठा ली है और यहाँ पे अभी तक बेल जा रही है। तो देखिए कैसी घटिया सर्विस हो रखी है सिम वालों की। हेलो 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 हेलो। तो देखिए दोस्तों आवाज़ आ रही है, ऊपर एयर स्पीकर में भी आवाज़ आ रही है और नीचे माइक में भी आवाज़ आ रही है। थोड़ा सा मुझे इसमें सेंसर का इशू लग रहा है कि इसका सेंसर जो है प्रॉक्सिमिटी सेंसर वो थोड़ा सा कम काम कर रहा है। देखिए दोस्तों देखिए थोड़ा कम काम कर रहा है। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर नॉट वर्किंग में ही मंगाया था मैंने, क्यूसी रिपोर्ट भी डालूंगा इसकी। बाकी एक बार स्पीकर ऑन करके भी देख लेता हूँ मैं। तो स्पीकर ऑन करके बात करते हैं। हेलो 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 हेलो। तो दोस्तों स्पीकर में भी सही आवाज़ आ रही है। तो इसमें दोस्तों हमने चेक कराया, देखिए इसका प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है वो कम चल रहा है थोड़ा, मतलब कॉपी फोल्डर होने की वजह से इतना फास्ट नहीं चल रहा जितना चलना चाहिए। लेकिन दोस्तों ठीक है इतना, बाकी क्यूसी रिपोर्ट डालूंगा मैं वीडियो बनाता हूँ, तो मुझे भी क्यूसी रिपोर्ट में क्या था याद नहीं रहता। तो जब वीडियो डालूंगा मैं तो क्यूसी रिपोर्ट डाल देता हूँ इसलिए, ताकि आप देख पाए कि क्यूसी रिपोर्ट में क्या क्या प्रॉब्लम है मैंने मंगाया ये। तो क्यूसी रिपोर्ट बेस की आपको मैं डाल के दिखाऊंगा। और इसकी मैंने दोस्तों आपको रिंग टोन चेक नहीं कराई, इसमें सिंगल ही स्पीकर होता है वैसे, देखता हूँ मैं। इसमें दोस्तों सिंगल स्पीकर होता है, लेकिन आवाज़ ठीक आ रही है। देखिए रिंगटोन की, आपने रिंगटोन की आवाज़ देखी है, सही आ रही है। तो आप जब भी पोको X3 फ़ोन दोस्तों मंगाए अपने लिए चलाने के लिए यूज़ करने के लिए, आप इसको अच्छी तरीके से चेक कर ले, खूब अच्छी तरीके से चेक कर ले दोस्तों। गेमिंग वगैरह फुल फ़ोन के रेल बना दे बढ़िया करके, और हम ऐसे चलाए फ़ोन बिल्कुल के हीट हो जाए अच्छी तरीके से, गेमिंग वगैरह में ही चेक हो पाते हैं ये, क्योंकि इनमें जो है डेड होने की दिक्कत और रीस्टार्ट की दिक्कत बहुत रहती है दोस्तों। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, एक ये वाला फ़ोन और एक सैमसंग के कुछ फ़ोन आते हैं M-Series के, उन्हें भी आप अच्छी तरीके से चेक करें खूब बढ़िया करके, ताकि पता लग पाए। उनमें भी रीस्टार्ट की प्रॉब्लम आती है और हैंग होने की, हैंग ऑन लोगो और डेड हो जाते हैं ये फ़ोन। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था। बाकी एक बार इसका वॉल्यूम बटन चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों वॉल्यूम बटन इसका चेक कर लेते हैं, इधर सही चल रहा है बिल्कुल वॉल्यूम बटन, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने आपको सिम भी डाल के दिखा दी है, स्पीकर भी चेक करा दिया है, ओवरऑल सारी चीज़ आपको मैं चेक करा चुका हूँ दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी आपको, कैसी अच्छी लगी, पसंद आई नहीं आई दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताया करें। और सस्ते सस्ते रेटों में ऐसे ही फ़ोन मैं मंगाता रहूँगा और वीडियो बनाता रहूँगा। अब मैं सोच रहा हूँ दोस्तों ई ग्रेड में ज़्यादा फ़ोन मंगा के ई ग्रेड के फ़ोनों की वीडियो बनाऊँ। लेकिन दोस्तों मैं ई ग्रेड में ज़्यादा इसलिए नहीं मंगाता क्योंकि ई ग्रेड में कॉपी डिस्प्ले में आता है और बहुत ही ज़्यादा कमी में आता है, और वो रिटर्न नहीं होता, ई ग्रेड का रिटर्न पॉलिसी नहीं है, इसलिए नहीं मंगाता। तो कोशिश करता हूँ डी ग्रेड या डी माइनस ग्रेड तक ही मंगाने की, क्योंकि उनमें इतनी प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो चलिए दोस्तों अब आज के लिए मैं वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। तब तक के लिए आप ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहे और इन्जॉय करते रहे, और हमारे चैनल को ऐसे सपोर्ट करते रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।